अलकुम वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल लाइफ विद आयना एंड आई होप ऑल यू पीपल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट सफायर के जो लास्ट वीक सेल लगी थी उस पर से मैंने कुछ आर्टिकल्स ऑर्डर किए थे मोस्ट ऑफ देम वर ऑन थर्टी परसेंट ऑफ लेकिन अनस्टिच पे कुछ पे सेवेंटी और फिफ्टी परसेंट भी ऑफ था तो एक जो सूट है वो मुझे सेवेंटी परसेंट ऑफ में मिल गया था एंड आई थिंक कि लोग इसको इसकी कलर की वजह से नहीं ले रहे होंगे लेकिन आई रियली लाइक दिस सूट और ऑनलाइन मुझे सेवेंटी परसेंट में मिल रहा था तो मैंने कहा ग्रैप द अपॉर्चुनिटी और ले लेते हैं तो ये बहुत एम्ब्रॉइड सूट है ऑल्डो इस पर लिखा हुआ है कॉटन साटन बट इट्स अ वेरी समरी फैब्रिक अच्छा मैं इसकी एक्चुअल प्राइस आपको बता देती हूँ कि इसकी एक्चुअल प्राइस तकरीबन ग्यारह हज़ार रुपये थी एंड आफ्टर सेवेंटी परसेंट ऑफ मुझे ये मिला है सिर्फ और सिर्फ थर्टी नाइन या थर्टी टू हंड्रेड में आप ग्यारह हज़ार का आप कर लिएगा हाफ़ तो उतने में ये मुझे मिला है इसके साथ हमें सारा का सारा जो सूट मिला है वो ऑल ओवर एम्ब्रॉयडर्ड है इनफैक्ट इसके दुपट्टे पे इतनी ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी है कि अगर आप चाहो तो उसमें से भी आप एक शर्ट अपनी पूरी बना सकते हो इतना लंबा दुपट्टा है सो लेट्स अनपैक द पार्सल फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाती है शर्ट और शर्ट का जो कपड़ा है उसके ऊपर सारी की सारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है अच्छा जिस पर दो किस्म की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है वो है हमारे पास शर्ट का कपड़ा और जिस पर सिर्फ एक टाइप की एम्ब्रायडरी हुई हुई है वो है हमारे पास बाजू का कपड़ा सो बेसिकली ये हमारे पास है स्लीव्स का कपड़ा और अब आ जाता है हमारे पास शर्ट का कपड़ा शर्ट के कपड़े के ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी हुई भी है और टू टाइप्स की एम्ब्रॉयडरी हुई भी है सही है बेस का कलर जो है वो थोड़ा सा ऑफ वाइट सी टाइप है और शर्ट के कपड़े की लेंथ भी काफ़ी अच्छी है तीन मीटर का इन्होंने हमें शर्ट का कपड़ा दिया है जो बेसिकली इसके साथ होता है अब आ जाते हैं इसकी नेकलाइन की बारी तो नेक लाइन इसने हमें दो नेक लाइन दे रखी है पहले तो मैं परेशान हो गई थी कि भाई दो नेक लाइन्स क्यों दे दी कि शायद दो कपड़े सूट भेज दिए इन्होंने लेकिन देन आई गॉट टू नो कि फ्रंट की नेक लाइन अलग है और बैक की नेक लाइन जो है वो अलग है जिस पे ज्यादा एम्ब्रॉयडरी हुई है वो फ्रंट की नेक लाइन है और ये वाली जो है ये बैक की नेक लाइन है साथ ही उन्होंने बाजू के लिए हमें मोटिव्स दिए हुए हैं और मोटिव्स चार मोटिव्स इन्होंने हमें बाजुओं के लिए दिए हुए हैं लेकिन चार तो एक बाजू पे नहीं लग सकते हैं सो आई थॉट कि मैं इसको ना दुबटे पे लगवा लूँगी लेकिन भाई जब मैंने दुपट्टा ओपन किया तो उसकी भी बहुत सारी चीज़ें थी तो मुझे लगता है ये वेस्ट ही जाएगा अच्छा ज़रा मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये मोटिवस कैसे लगेंगे बाजू के लिए इन्होंने एक अलग से भी पैस दिया हुआ तो पैच के ऊपर जो है ये हमारे पास मोटिव लगेगा और ये पैच भी काफी खुला है कि आप अपने अम्ब्रेला बाजू जो है वो आराम से बना सकते हैं एम्ब्रॉयडरी जो है वो टू टोन शेड में हुई हुई है नेवी ब्लू और ग्रे कलर की इन्होंने सारी एम्ब्रॉयडरी की हुई है पैचेस पे और डेढ़ मीटर का ये एक पैच है काफी खूबसूरत और काफ़ी नफीस इसकी एम्ब्रॉयडरी हुई है चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पैच पे ये जो नेक्स्ट पैच है ना ये हमारे पास है आ, शर्ट का पैच और ये डबल पैच है वैसे तो उन्होंने पम्फ्लिट पे इसके दरम्यान में एक लेस लगाई हुई है लेकिन मेरा सीन ये होगा कि मैं लेस नहीं लगवाऊंगी क्योंकि इट्स ऑलरेडी वेरी हैवी तो इसको दोनों को पैचेस को इकट्ठा करके मैं जो है वो शर्ट के ऊपर लगवा लूँगी अच्छा जी अब आ जाती है दुपट्टे की बारी ट्राउजर और इसकी जो बैक है वो बिल्कुल प्लेन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दुपट्टा दिखा देती हूँ दुपट्टा हैवीली एम्ब्रॉयड है चारों के चारों साइड जो है ना वो इसके एम्ब्रॉयड है और दुपट्टे की लेंथ भी तीन मीटर से भी ज़्यादा की है सो so, इन्होंने जो दुपट्टे के पैचज़ दिए हैं वो भी अलग से दिए हैं सबसे पहले मैं आपको बॉर्डर दिखा देती हूँ कि बॉर्डर भी सारी एम्ब्रॉयड्रड है चारों तरफ का बॉर्डर एम्ब्रॉयडेड है और दरमियान भी इन्होंने दरमियान में इन्होंने थोड़ी सी बूटी दी हुई है और दरमियान में भी एक छोटा सा एम्ब्रॉयड्रेड बॉर्डर दिया हुआ है सही है अच्छा अब ये तो आ गए हमारे सारे के सारे आ, पूरी लेंथ और नीचे इन्होंने हमें पल्लू एम्ब्रॉयड्रीड दी हुई है कि अगर आप अपनी लेंथ को बड़ा करना चाह रहे हो तो ये पल्लू की पैचेस दी हुई है कि आप अपनी डिजायर लेंथ के मुताबिक अपना दुपट्टा बना लो हेयर आई एम स्ट्रगलिंग आ लिटल बिट के यार मैं दिखाऊं कैसे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सारी पैचेस हैं मैं खुद इतना ज्यादा घूम गई हूँ तो मेरी ऑडियंस तो वैसे ही घूम गई होगी लेकिन उसका भी मैंने सॉल्यूशन निकाला हुआ है एंड में मैं सारा इकट्ठा करके जमीन पे रख के आपको सब कुछ दिखाऊंगी तो अच्छा पल्लू जो है वो इस तरह कुछ आएंगे और पल्लू काफी ज्यादा एम्ब्रॉड है मजे के एम्ब्रॉयड अच्छा अब मैं आपको जरा जमीन पे रख के दिखा देती हूँ कि ये कैसा लगेगा मेरे से मैंने दुपट्टे को फोल्ड किया हुआ है इसकी लेंथ काफ़ी बड़ी है तो सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए कि ये ना कुछ इस तरीके से लगेगा अच्छा आप शर्ट पे आ जाते हैं शर्ट के दामन पे हमारे पास एम्ब्रॉडेड बॉर्डर है फिर ये गले हैं गले के अंदर ही बाजू के पैचज वगैरह हैं सारा फोल्डेड ना उसके अंदर हुआ हुआ है अच्छा उसके बाद हमारे पास बाजू आ जाता है और बाजू का पैच आ जाता है तो अभी तक तो मैंने सिर्फ ये शॉपिंग की है और थोड़ी सी शॉपिंग आपको दिखाई है इफ़ यू वॉन्ट टू वॉच अ लॉट ऑफ वीडियोज़ लाइक दिस तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और आप मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा मुझे ज़रूर दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़ एंड फीमान ला